हमारे दिग्गज प्रभुदास लिलादर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भट्ट साहब, आपका भी स्वागत है। 7 से 7.5% ये है अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का अनुमान। बाजार है लाइफ टाइम हाई पर, काफी है या ज्यादा ग्रोथ चाहिए? देखिए, जिस तरह से उन्होंने जीडीपी का जो एस्टिमेट लगाया है 7.5%, और जिस तरह से रियल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और उसको डिफ्लेक्टर करा के जो 7.5% की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी डिसेंट ग्रोथ। बट मुझे लगता है मोर इम्पोर्टेंट इज के वेदर वी आर गोइंग टू फील दैट ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो आने वाली है। आई थिंक वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कहीं पर वो एक क्लैरिटी आने की और भी जरूरत है जो नहीं आ रही है अभी तक, कि वेदर दिस जीडीपी ग्रोथ विल ट्रांसलेट इनटू अ रियल गुड अर्निंग ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। मेरे हिसाब से ओवरऑल ये ग्रोथ विल बी गुड बट विल नॉट बी सफिशियंट, और मुझे लगता है गवर्नमेंट काफी एम्फेसाइज कर रही है जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट करने की, लेकिन द नीड ऑफ द आवर एट द मोमेंट इज हाउ यू कैन स्टिम्युलेट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, जो अभी सिर्फ एक दो सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, कैसे हम इसको अक्रॉस द सेक्टर लेके आ जाए। और जहां तक मार्केट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है यस, इट इज एट एन ऑल टाइम हाई, वेरी एक्सपेंसिव मार्केट्स, लेकिन हम इंडियन मार्केट्स एंड वर्ल्ड मार्केट्स आर ऑलवेज डिक्टेटेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस मार्केट, और ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस मार्केट काफी ठीक रहेगा, तो यहाँ पर काफी बड़ी एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा डोमेस्टिक फ्लोज हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सम अप ऑन योर क्वेश्चन। ओके, अच्छा एक चीज, क्या आपको भी लगता है इस सर्वे के दम पर बढ़िया बजट मिलेगा बाजार को? देखिए, जिस तरह से ये सर्वे ने थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स बताए हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत लो है, रूरल अभी भी ग्रो करना बाकी है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑल्सो विल डू एवरीथिंग इन दिस बजट टू स्टिम्युलेट द ग्रोथ, और ये ग्रोथ आएगा शायद हाउ टू रूरल और जिस तरह से इंफ्रा में करेंगे, ये तो खैर अभी एक कंसेंसस बैठ रहा है कि शायद ये दो सेक्टर में काफी हद तक लोग फोकस करेंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि अगर ये ग्रोथ के ऊपर उन्होंने नजर रखा है कि किस तरह से ग्रोथ को स्टिम्युलेट करें, तो आई थिंक मार्केट विल सर्टेनली लाइक इट, एंड आई थिंक दिस इनिशियल थिंग्स व्हाटएवर द वे मार्केट्स आर आल्सो रिएक्टिंग, इट सजेस्ट दैट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंडली बजट, मार्केट फ्रेंडली बजट, और इसमें ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगा ऐसा नहीं लगता। चलिए, निराशा नहीं होगी बजट से, कम आर्थिक सर्वे से ये चीज समझ में आ रही है।